साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर एक, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहलर मॉडल किससे संबंधित है? तो बोहलर मॉडल ऊर्जा के प्रमाणीकरण की अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक वाली मृदा को पेडलकर मृदा कहते हैं, पेडलफर मृदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो घरों में लगे पंखे बल्ब आदि समांतर क्रम श्रेणी में लगे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्स किरणें की खोज किसने की? तो एक्स किरणें की खोज रोएंटजेन ने की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थ से किरणें निकलती है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, सभी किरणें निकलती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से। नेक्स्ट, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।